हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का बहुत स्वागत है, वेलकम। जो लोग भी नए हैं उनका भी बहुत स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप सहमत हों, हो सकता है आप असहमत हों, एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये सब आप पर है, आपके देखने के नज़रिए पर है, आपके सोचने, समझने, जानने की क्षमता पर है। मैं आज आपके साथ दो वीडियोस शेयर करूंगी और फिर आप खुद फैसला लीजिएगा कि क्या वाकई में हमारे मुल्क के अंदर से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जा रही है, क्या वाकई यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाएगी, क्या वाकई हमारे मुल्क का संविधान ख़त्म करने की कोई साजिश चल रही है, क्या वाकई इस मुल्क के अंदर कोई संविधान से ऊपर है। ये फैसला आप खुद कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा हम दूसरी बार देख रहे हैं कि जब हमें लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छे से पढ़ लिया है, ऐसा हम दूसरी बार देख रहे हैं कि जब हमें लग रहा है कि उन यूट्यूबर्स को देखकर जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, उन यूट्यूबर्स को देखकर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो अपनी समझ रख रहे हैं और जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश की उसमें ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। एक छोटा छोटा बच्चा भी ऐसा दूसरी बार कर रहा है कि जब वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस कर रहा होता है अपने से बड़े, अपने से तजुर्बेकार इंसान से, जस्ट बिकॉज उसने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी है जिसमें उसे ये बताया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो आ जाएगी और कैसे यहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं दो वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी और आप खुद फैसला लीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा। खैर, मैंने कहा ना कि दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क के अंदर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है, समझ लिया है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे समझने के लिए हम पढ़ें, हम जानें, हम वो केसेस देखें, वो संविधान संशोधन देखें और हमारी समझ बने कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और एक्चुअली में एक यूट्यूबर के ज़रिए हमें क्या बताया जा रहा है। हमारी एक प्रॉब्लम है भारत में, हमारे बहुत सारे लोगों की, कि बहुत जल्दी ही विदेशी यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का गैंग हो, चाहे वो जर्मनी से कोई यूट्यूबर आ जाए, कोई भी हो दुनिया में, किसी भी अरे गहरे से बहुत जल्दी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उनके अनुसार एक तरफा समझ बना लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भीड़ चाल में अगर आप चलेंगे, उस भीड़ तंत्र का आप हिस्सा बनेंगे तो आप सही हैं या वो पूरी भीड़ सही है। अगर आप सही हैं तो आप अकेले भी चल सकते हैं। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, संविधान को समझने से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित, किसी भी संबंधित कोई भी दिक्कत आए तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसे रीड आउट करें। जैसे कि ये मेरे पास भारत की राज व्यवस्था, ये एम लक्ष्मीकांत जी की किताब है और इसके अलग अलग संस्करण आते हैं। ये मेरे पास जो है इस वक्त, इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं इसमें पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि भारत की राज व्यवस्था के अंदर इतना डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, ये है भारत का संविधान, उससे संबंधित बेयर एक्ट। तो चाहे वो भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब हो या फिर बेयर एक्ट हो, आपको वहाँ आपके उन सवालों के या उन संदेह के जवाब ज़रूर मिलेंगे जो कि कोई भी यूट्यूबर्स के द्वारा आपके दिमाग में डाले गए हों। तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम बेयर एक्ट में देखें तो पेज नंबर 7 पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका, उसकी प्रस्तावना यहाँ लिखी हुई है जो हमें तमाम चीज़ें क्लियर कर देती है और उसी में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार आ जाता है। मैं ये पढ़कर नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आपको ये एक, मैं चाहूँगी कि आप खुद इसे पढ़ें और फिर आप इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जो इसके अंदर तमाम शब्द हैं, उनके मायने खुद से समझें। क्योंकि मैंने कहा ना, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब हमें लग रहा है कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है। और ऐसा दूसरी बार कब हो रहा है? आज के समय। और ऐसा पहली बार कब हुआ था? अगर आपको जवाब मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अन्यथा मैं खुद आपको बताऊंगी कि ऐसा, अंत में मैं आपको साथ ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा पहली बार हमने कब देखा था, कि जब हमें लगा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क के अंदर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। तो ये दूसरी बार हो रहा है। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। पेज नंबर 7 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स में जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। इसके अंदर क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और ऐसे ही आप इसमें हमारे संविधान में दिए हुए तमाम फंडामेंटल राइट्स की भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं और आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब ये दो वीडियोस देखिए। इसमें एक वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और जो सामने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके सामने वहाँ नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर सभी समान हैं। सामने आपके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी ऑफिसर हैं उस स्टेट के, आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं लेकिन आप हमारे देश के संविधान के समक्ष समान हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कोई उस समय पर जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो देखें, आप गौर से इस पूरा वीडियो को देखें तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंतर्गत आप और मैं ये देख रहे हैं कि हमारे देश के संविधान में सभी को समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। वो नॉमिनेशन फाइल करने आएंगे, वो प्रोसेस वही रहेगा जो कि बाकी अन्य का रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री पद के लिए पद पर रहे हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर कोई अन्य किसी भी पद पर रहे कोई भी कैंडिडेट हों, उनके उनका नॉमिनेशन फाइल करते समय का आप देखें कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष सभी समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। दूसरा आप देखें, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी। तो एक तरफ आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को, दूसरी तरफ आपने देखा राहुल गांधी जी को। इन दोनों ही वीडियोस में आप देखें कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ हैं और उनके समक्ष कोई, आपको यहाँ कोई भेदभाव कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, नहीं आपको कोई ऐसा दिख रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को कोई अलग ट्रीटमेंट दिया गया, कोई अलग उनके साथ कोई स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दिया गया हो, नहीं आपको दिख रहा हो राहुल गांधी जी को कोई अलग ट्रीटमेंट दिया गया हो। इक्वली दोनों अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और दोनों ही हमारे देश के संविधान के समक्ष समान हैं। तो ये केवल वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था और यही है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और उनको समझाएंगे कि किसी भी यूट्यूबर से इतना ज़्यादा प्रभावित ना हो। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं भी हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है, तो मैं भी उसका हिस्सा हो जाऊँ। तो अपने देश का संविधान जो है ना वो सभी के लिए एक समान है। और जैसे कि मैंने कहा कि दूसरी बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने संविधान पढ़ लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये अब दूसरी बार देखा जा रहा है। पहली बार कब देखा था हमने? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में और ख़ास करके शाहीन बाग दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी हमने देखा था। और मैंने ये जिक्र भी किया था कि ऐसा लग रहा है कि तमाम लोगों ने, जिनसे भी रिएक्शन लिए जाते हैं, वो तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ कर जान कर आए होंगे, लेकिन जब वो बात करना शुरू करते हैं और जब वो बताना शुरू करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, तो उनको बेसिक समझ भी नहीं होती, आधारभूत समझ भी उनको नहीं हो रही होती है। तो ये एक सोचने का विषय है, इसमें किसी भी तरह की किसी बहस में ना उलझें। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बात कहूँगी कि कभी भी किसी भी ऐसे मुद्दे पर उलझकर अपने रिश्ते ना बिगाड़ें किसी के साथ भी,
राजनीतिक मुद्दों में उलझकर, सियासती मुद्दों में उलझकर किसी के साथ अपने रिश्ते ख़राब ना करें। कभी भी ऐसी बहस में उलझें तो वहाँ से हट जाएं। किसी भी यूट्यूबर्स के द्वारा किसी भी प्रोपोगंडा के तहत हमारे जहन में कुछ भी डालने की कोशिश की जाए और दूसरा व्यक्ति आपसे उस बहस में उलझना चाहे तो आप वहाँ से हट जाएँ, यही बेहतरी होगी। क्योंकि ये वक्त जो है वो बहुत नाजुक वक्त है, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस होते हुए देख रही हूँ। और जब उससे उस उनकी कही उस बात का उनसे पूछा जाए कि आपने ये कहाँ देखा, आप इसका बताएं कि आपके कौन से ऐसे जगह पे आपने ये फैक्ट पढ़े, कहाँ पर आपने ये ज्ञान लिया, तो वो यूट्यूबर्स के नाम बताते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही अजीब सा लगता है कि अगर कल को उनसे वही यूट्यूबर्स कुछ भी कहते हैं तो वो उसको आँख बंद करके मानेंगे। तो बस दोस्तों, मैं आपके साथ यही सब शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आप अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। ये मुल्क हम सबका है, इसको खूबसूरत बनाने में, इसको तरक्की याफ्ता बनाने में और यहाँ अमन और सुकून कायम करने में अगर 1% भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मानिए आपने बहुत कुछ कर दिया बेहतर इस मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें। जय हिंद।